तो यार इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली MBBS के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आपको MBBS करना है। Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies. Courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hi guys, welcome back to our channel. Myself, Nanisha. And yaar, humne last video mein baat kari thi ki टॉप 10 ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप USA जाके कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली MBBS के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आपको MBBS करना है USA से जाकर, या क्या ट्यूशन फीस होती है, या कौन कौन सी सिटी आप प्रेफरेबल रख सकते हैं, प्रेफरेबल सिटीज रख सकते हैं USA में जाकर, आप वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है USA जाकर पढ़ाई करना काफ़ी वर्थफुल होने वाला है, आपका काफ़ी बेनिफिट्स हैं आप USA जाकर अगर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वर्ल्ड क्लास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिल जाती है, आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाता है, प्लस जो वहाँ की फैकल्टी है, जो क्लासरूम है, वो भी काफ़ी अपग्रेडेड रहते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रोफेशनलिज्म आपको वो सब मिल जाएगा। तो यार अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो करेंटली MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। MBBS की पढ़ाई जो यूनिवर्सिटीज से कर रहे हैं, काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो NCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग सिटी में हैं, जैसे कि आप कैलिफोर्निया से पढ़ाई कर सकते हैं, बॉस्टन से पढ़ाई कर सकते हैं, अलाबामा, वाशिंगटन जैसी जगह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप MBBS कर सकते हैं वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा मेडिकल स्कूल, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल स्कूल, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी से आप वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बस अगर आपको इस फील्ड में या इस कोर्स में सक्सेसफुल होना है तो आपको थोड़ा सा डेडिकेशन लगेगा, थोड़ा सा आपका जो टाइम पीरियड है वो लग सकता है, 4 से 5 साल आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो मैं बता दूं इसके लिए आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, आपका जो एज लिमिट है वो मोर देन 17 ईयर्स होनी चाहिए, प्लस अगर हम बात करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो आपको 12th पास कर लेना चाहिए, 10+2 यानी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी स्ट्रीम में अगर आपने पास किया है, वो भी फ्रॉम अ वेल रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया और अब्रॉड, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं USA में जाकर MBBS करने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। प्लस अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो आपका मोर देन 50% ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए PCB या PCM फील्ड से रिलेटेड। अब हम अगर एग्रीगेट स्कोर की बात करें तो आपका मिनिमम 50% से ज़्यादा PCB कोर्स में होना चाहिए आफ्टर 12th का जो आपका स्कोर होना चाहिए। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि MBBS का आपका फीस कितनी होने वाली है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो आपका प्राइवेट सेक्टर में शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो फीस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कंपैरेटिवली जो MBBS की फीस है वो इतनी अफोर्डेबल है, इतनी चीप तो नहीं है, बट वर्थ टू इन्वेस्ट है, क्योंकि जितना इसका आउटकम निकलने वाला है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी USA में मिलने वाली है इन कमिंग ईयर्स एंड इन प्रेजेंट एज वेल, तो वो वर्थ टू इन्वेस्ट होने वाला है। अगर पर्टिकुलरली मैं एक एस्टिमेटेड फीस की बात करूँ तो आपका 61 लाख से लेकर खर्चा आने वाला है, एंड जैसे मैंने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बताया वो 5 से 6 साल का आपका बैचलर लेवल का कोर्स रहेगा जो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो आपका ओवरऑल फीस का खर्चा कम हो जाता है, प्लस आप अगर पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं या अपना लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं तो आपका ट्यूशन फीस तो स्कॉलरशिप से कम हो जाएगा, एंड जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपका पार्ट टाइम जॉब से कवर हो जाता है। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट कि आप USA जाकर MBBS क्यों करें, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या आपकी फीस स्ट्रक्चर होता है, एंड क्या आपकी पॉसिबिलिटी है इन कमिंग फ्यूचर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड जल्दी चाहिए, तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जहाँ पे हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं उस टॉपिक पे। So yeah, this was me, Nimisha Jijani, signing off. क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए इस चैनल में। सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब अवर चैनल टुडे।